हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है वेज तहरी। जी हाँ, तहरी और बिरयानी में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तहरी में क्या होता है, हम वेजिटेबल राइस के साथ कुक कर देते हैं और बिरयानी में एक लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे पहले हमने अनियन की लेयर लगाई है, फिर हमने राइस की लगाई है, फिर वेजीज की लगाई है, तो ये डिफरेंस होता है। तो मैं तहरी की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही खिली खिली बनाऊंगी और मैं कुकर में बनाऊंगी, तो झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तहरी कुकर में बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने कुकर को गर्म कर लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ एक कड़छी ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। एक चम्मच जीरा, ये देखिए एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, और एक तेज पत्ता। हल्का सा इसे सोते कर लेंगे। आप कोई और मसाले भी डाल सकते हैं, पर मैं वो प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो जब ज़्यादा छोटे इलायची, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह मुँह में आते हैं ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आते। इनका तो क्या है, इनसे बहुत ही अच्छा तहरी को अरोमा मिलता है। ये आप बाद में भी निकाल सकते हैं। हल्का सा सोते करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो मैंने एक प्याज काटी है, आप जैसी मर्जी काट लीजिए, कोई इशू नहीं है। प्याज को हल्का सोते करेंगे, गैस को लो मीडियम के बीच रखेंगे। इसमें डाल देते हैं अदरक का पेस्ट, इसे भी हल्का सा सोते कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक टमाटर, रफली चॉप्ड है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अभी मैंने नमक थोड़ा ही डाला है, और नमक हम बाद में ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पर मैं टमाटर को 2 मिनट के लिए ढककर फिर पकाती हूँ। टमाटर को 2 मिनट पकाने के बाद एक बार देख लेते हैं, टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, मैंने कुछ वेजेज लिए हैं, जिसमें मैंने लिए हैं आलू, गोभी, मटर और 2-3 हरी मिर्च। वेजेज आप अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, गाजर, कैप्सिकम, जो भी आप चाहें। मैं जनरली ये वेजेज यूज़ करती हूँ, तो इन्हें भी मैं डाल देती हूँ। और इनको भी हम 1-1.5 मिनट भूनेंगे। भूनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्रंची सा और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट मिलता है हमारी तहरी को। तो इन्हें हम भूनेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा कि पहले मैंने बताया था, मैंने पहले नमक कम ही ऐड किया था। हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर लीजिए। 1/3 टीस्पून गरम मसाला। जो ये गरम मसाला है, ये घर का कुटा हुआ है, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मार्केट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो वो 1/2 चम्मच डाल लीजिए। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इन सब्जियों को भी भून लेंगे। ये देखिए, अभी से इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। सब्जियों को भी 2 मिनट पका लिया है। मैंने लिए हैं चावल, ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, 1 गिलास चावल हैं, जिसे मैंने 15 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगोने के लिए रख दिया था। अब मैंने इनको ड्रेन कर लिया है। तो आप याद रखें, जब भी तहरी बनाएं, बिरयानी बनाएं, पुलाव, जो भी बनाएं, उनके लिए अच्छी क्वालिटी के चावल लें, क्योंकि जो इसका एक्चुअल टेस्ट है ना, वो अच्छे चावलों से ही आता है। तो मैंने ये बासमती चावल लिए हैं, इसे भी मैं कुकर में डाल देती हूँ। और ध्यान रखें, 15-20 मिनट से ज़्यादा ना भिगोएं। अगर ज़्यादा भीग गए तो वो आपके गले गले बनेंगे, एक्स्ट्रा पक जाएंगे, तो खिले खिले नहीं बनेंगे, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 1-1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छे से मिक्स करने के बाद 1-1.5 मिनट चावलों को भी हम भून लेंगे। एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना चावल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, तो मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। अब हम इसे कवर करेंगे और 1 विसल आने की वेट करेंगे, मीडियम फ्लेम। गाइस, 1 विसल आ चुकी है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। हम प्रेशर को रिलीज नहीं करेंगे, जब प्रेशर खुद से रिलीज होगा, उसके बाद हम कुकर खोलेंगे। प्रेशर अच्छे से रिलीज हो चुका है, चलिए कुकर खोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है, मेरी किचन में इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तहरी को मैंने सर्व कर लिया है और इसे धनिया पत्ते से डेकोरेट कर लिया है। देखिए कितनी ज़्यादा खिली खिली
बनी है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस पर हम डालेंगे अब देसी घी। देसी घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। आप इसे धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, अमचूर की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर रायते के साथ खा सकते हैं। सबके साथ ही बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइज, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि ये कैसे बनी। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।